ड्रेनेज क्या होती है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, इंडियन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के वीडियो में जिन टॉपिक्स का मैंने नाम लिया, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, तो आज हम बस यही कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है इंडियन रिवर सिस्टम। प्रीवियसली हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने पढ़ा हिमालयाज के बारे में, उसके बाद द कोस्टल प्लेन्स, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इस तरह से काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया। जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न था इंडिया का, वो बहुत ही अच्छे से, अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे नोट्स मैंने आपको, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंडियन रिवर सिस्टम की जस्ट इंट्रोडक्शन। ऐसा मत सोचिएगा हम रिवर सिस्टम इसमें पढ़ेंगे। अगर आप रिवर सिस्टम का वेट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर रिवर का वेट कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगी। आज हम क्या पढ़ेंगे कि रिवर सिस्टम होता क्या है, ठीक है, रिवर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं या ड्रेनेज बेसिन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो रिवर सिस्टम क्या होता है वो पढ़ेंगे। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड रिवर सिस्टम। कोई भी एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ पूरा मिलकर बनाती है रिवर सिस्टम। यहाँ पर मैंने एक हल्का सा एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए एक नदी है, ये दो अपने ट्रिब्यूटरीज यानी दो सहायक नदियों में, सॉरी नदियों में डिवाइड हो गई। पहली है ट्रिब्यूटरी वन, दूसरी है ट्रिब्यूटरी टू। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, रिवर सिस्टम कहलाएगा। जो भी इस रिवर का नाम है, मान लीजिए इस रिवर का नाम है जे, तो ये कहलाएगा जे रिवर सिस्टम, ठीक है। अब रिवर सिस्टम के टाइप्स हम पढ़ेंगे कि रिवर सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, हम इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जो भी हम पढ़ेंगे वो हम इंडियन रिवर सिस्टम के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। जो रिवर सिस्टम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है द हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम बहुत अच्छे से एक एक वीडियो में कवर करेंगे। पर हिमालयन रिवर सिस्टम होता क्या है, एक दो इसके करेक्टरिस्टिक्स, कुछ बेसिक से चीज़ें, और सेम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के साथ, वो हम आज पढ़ लेंगे, राइट। तो हिमालयन रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे थे। हिमालयन रिवर सिस्टम क्या होता है, द रिवर्स विच फ्लोज इन द हिमालयन जोन। हिमालयन रिवर सिस्टम में वो नदियाँ आती हैं, वो सारी की सारी नदियाँ जो हिमालयन जोन में बहती हैं। देखिए, हमने द ग्रेट हिमालयाज पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा कि जो द ग्रेट हिमालयाज होते हैं ये तीन माउंटेन रेंजेज में डिवाइडेड हैं। जो सबसे ऊपर वाला है वो है द ग्रेटर हिमालयाज, फिर है द लेसर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, इनर हिमालयाज, और सबसे नीचे आते हैं शिवालिक्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जी इनके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालयन जोन। इतना सब हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो बस उसी एरिया में जो नदियाँ बहेंगी वो कहलाई जाएंगी फिर हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स आर पेरिनियल इन करेक्टर। पेरिनियल क्या होता है, जिनमें हमेशा पानी होता है, जो कभी सूखती नहीं है, जो कभी सीजनल नहीं होती हैं, जो ऐसे नहीं होती कि एक सीज़न में उनमें खूब पानी आ गया, एक सीज़न में वो सूख गई, ऐसी नहीं होती। उनमें हमेशा नॉर्मल पानी होता ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि उन्हें पानी प्राप्त होता है ग्लेशियर से, और ग्लेशियर्स क्या है, वो तो बर्फ़ का पूरा ढांचा होते हैं, तो उनसे तो पानी मेल्ट होता रहता है और वो नदियाँ हमेशा हरी भरी रहती हैं, फुल रहती हैं पानी से, ठीक है। हिमालयाज में जो ये नदियाँ हैं ये टॉर्चरस रूप में बहती हैं, मतलब तबाही भी करती हैं। और प्लेन्स में क्या करती हैं, शिफ्ट देयर कोर्सेज फ्रिक्वेंटली, अपना जो रास्ता है वो बार बार बदलती रहती हैं, ठीक है। आगे देखिए हम इनका डिवीजन भी पढ़ेंगे, बट पहले हम पढ़ लेते हैं इनका जो हम कहते हैं ना वो थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब हिमालयन रिवर सिस्टम के कौन कौन सी नदियाँ इसके अंदर आती हैं, कौन कौन से रिवर सिस्टम्स इसके अंडर आते हैं, तो इसके अंदर हम तीन रिवर सिस्टम्स पढ़ेंगे। बस ये तीन रिवर सिस्टम्स पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब हो जाएगा तो काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी भी, ठीक है। पेपर पेन अपने साथ में रखिएगा, नोट्स साथ में बनाते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको मेरे इन हैंड रिटन नोट से। सो कौन कौन से रिवर सिस्टम्स हैं, वो द इंडस रिवर सिस्टम, दी गंगा रिवर सिस्टम, दी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अब मान लीजिए हम गंगा रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो सब। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। लेफ्ट और राइट बैंक क्या होता है वो मैं आपको तब बताऊँगी जब हम इन रिवर सिस्टम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने हिमालयन रिवर सिस्टम का आपको पता चल गया, इसमें हम तीन ही रिवर सिस्टम्स पढ़ते हैं। उसके बाद आ गया जी हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुला मैंने आपको बताया था, ज़मीन का वो भाग जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो इंडिया का जो साउदर्न इंडिया वाला पार्ट है या जो नीचे वाला पार्ट है वो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं हम इंडियन पेनिनसुला,
और वहाँ पे जो नदियाँ बहेंगी उसको हम बोल देंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो इसमें क्या बता रहा है, इट लाइज इन द पेनिनसुलर इंडिया, जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे ये रिवर्स होती हैं, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के साउदर्न पार्ट में, तो मैंने आपको पहले बता दिया। सो दिस रिवर सिस्टम इज़ मच ओल्डर देन दैट ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम। जो ये रिवर सिस्टम है ना, ये बहुत पुराना है हिमालयन रिवर सिस्टम के कंपेरिजन में। कहते हैं कि जो हिमालयंस हैं, सॉरी हिमालयन रिवर्स हैं या जो हिमालयाज हैं, ये अपने यूथफुल एज में, मतलब ये अभी अभी बने हैं, अभी अभी, ऐसा नहीं 50-100 साल पहले, बट अभी अभी का मतलब है कि पहले पेनिनसुला बने, उसके बाद हिमालयन एरिया बना है, ठीक है। कहते भी है ना कि वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन रेंजेज हैं, सबसे ज़्यादा जवान, आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा यंग कौन सी है, हिमालयन रिवर सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है अभी अपनी यूथफुल एज में है, मोस्टली सीजनल, ये नदियाँ मोस्टली सीजनल होती हैं, जब बरसात का टाइम होता है भर जाती हैं, तबाही लाती हैं, जब गर्मियाँ आती हैं तो उसके बाद इनमें सारा का सारा पानी सूख जाता है, ठीक है। देयर इरोजनल एंड कैरिंग कैपेसिटी इज़ लो, इनकी जो अपने साथ मिट्टी को बहाने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, ये बहुत सारे मिट्टी अपने साथ लेकर आती हैं, फिर प्लेन एरिया में जमा कर देती हैं, फिर वो बहुत फर्टाइल बन जाता है, ये हम पढ़ेंगे जब आगे चलेंगे। सो अब जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, इसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो दो ही लिखे हैं, देखिए मेनली हम दो में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का मतलब है वो सारी नदियाँ जो बाद में जाके, ईस्ट में क्या आता है हमारा, बे ऑफ बंगाल आता है, तो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो सारी नदियाँ जो एंड में जाके बहती बहती अरेबियन सी में मिल जाती हैं। लेकिन मैंने थर्ड पार्ट इसलिए कहा, थर्ड पार्ट में आप अदर्स लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जैसे लूनी है, ठीक है, अब ना वो हिमालयन में आएगी ना वो पेनिनसुला में आएगी, वो एपिमिरल रिवर है, बीच में ही बस बहती बहती कहीं गायब हो जाती है ना। तो इस तरह कुछ अलग से भी रिवर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके लिए आप टॉपिक्स डाल सकते हैं, अदर रिवर्स या कुछ भी, चलो वो टाइम के साथ देखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा रिवर्स भी हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा जो टाइप्स हम पढ़ रहे थे रिवर सिस्टम के, वो कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होती है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वो सब हमें पढ़ना है। तो देखिए ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी ईजिली समझा पाऊँ। सो ड्रेनेज क्या होता है, इट इज़ द सिस्टम और प्रोसेस बाय विच वाटर और अदर लिक्विड्स आर ड्रेन फ्रॉम अ प्लेस। कहीं पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, अब उसे निकालना है, तो उस निकालने के जो प्रोसेस, उस पानी को वहाँ से निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज को मैंने हिंदी में भी लिखा है, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है फिर आगे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। पानी आदि के निकास की प्रणाली, पानी को निकालने की प्रणाली इसे कहते हैं, ठीक है। वाटर कलेक्ट, कहीं पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, आपको ड्रेन करना है उसको, तो ड्रेन का मतलब क्या है, टू रिमूव इट बाय मेकिंग अ ड्रेन और नाली, एक नाली बना के उसको वहां से निकाल देंगे। तो आप कह सकते हैं ड्रेन करना मतलब निकालना एक नाली के थ्रू पानी को, इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रेनेज सिस्टम की, अब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है तो ये भी देख लेते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज कॉल्ड ड्रेनेज। पानी जो है एक वेल डिफाइंड चैनल से बहता है, एक प्रॉपर नाली बनी है उसी से निकलता है, तो उसको बोल दिया हमने ड्रेनेज। एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स, अब देखिए एक जगह में बहुत सारी ड्रेनेजेस बनी होंगी, ठीक है, तो उसका नेटवर्क कहला गया हमारा ड्रेनेज सिस्टम। रिवर्स के केसेस में भी हमने इसको ट्रिब्यूटरीज मान लिया, ठीक है, कि एक, जैसे यहाँ पे देखिए एक नदी है, ये दो ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हुई, अगली ट्रिब्यूटरी फिर ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हुई, फिर ट्रिब्यूटरीज में, इस तरह से देखिए कितनी बारी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हुई, तो ये पूरा का पूरा कहलाएगा, मान लीजिए वाई है रिवर का नाम, तो वाई रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम बोल लीजिए, ड्रेनेज बेसिन बोल लीजिए, सेम ही चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, कि जो ये रिवर बेसिन्स है या जो या फिर ड्रेनेज बेसिन्स है, सेम ही चीज़ें हैं ये, तो इनको कैसे आप डिवाइड करते हैं, तो इनको हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, माइनर रिवर बेसिन्स, मीडियम रिवर बेसिन्स एंड मेजर और लार्ज रिवर बेसिन्स। माइनर रिवर बेसिन्स में आती हैं वो सारे रिवर बेसिन्स या रिवर्स जिनका जो जहाँ जहाँ वो फ्लो करती हैं वो टोटल एरिया 2000 स्क्वेयर किलोमीटर से कम है, ठीक है। मीडियम रिवर बेसिन्स में आती हैं वो सारी नदियाँ, यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया था, अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप ये नीचे वाला लिख लीजिएगा। मीडियम रिवर बेसिन्स में आती हैं वो सारी नदियाँ जिनका जो रिवर बेसिन का एरिया है वो 2000 से 20000 स्क्वेयर किलोमीटर के बीच में आता है। और जो मेजर और लार्ज रिवर बेसिन्स हैं इनमें आती हैं वो सारी नदियाँ जिनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो 20000 स्क्वेयर किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। अब इंडिया में की बात करें, इंडिया में कितनी नदियां हैं जिनका माइनर रिवर बेसिन्स हैं, कितनी नदियों का मीडियम रिवर बेसिन्स हैं और कितनी नदियों का मेजर या लार्ज रिवर बेसिन है। तो देखिए इंडिया में बात करें 55 है माइनर,
44 है मीडियम और 14 है मेजर या लार्ज। ठीक है, ये हमारा ड्रेनेज बेसिन भी हो गया। हमारा जो आज का टॉपिक था बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, हमने ये कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आपको कोई डाउट ना रहा हो। प्लस इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स का, नेशनल मूवमेंट्स हैंड रिटन नोट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहें तो इन वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने में या अपनी स्टडीज़ में। इसी के साथ मैं HPGK के नोट्स, लेसन प्लान्स जो होते हैं फॉर JBT और DLED एंड जो भी हमारा जनरल स्टडीज़ के नोट्स रहते हैं वो सब अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू सून।